जहां गुरु ग्रंथ साहब है पंजाबियों ने, जहां जो भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं नान लेवा लोगों ने जाना है, हर हफ्ते सर सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में है, और वहां से सर लाखों डॉलर पौंड वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है, इसलिए वो आधा परसेंट लोगों के हक में वो बयान दे रहा है। जहां तक सिखों की बात है सर, 99.5% हमारे लोग वहां पे बिजनेस करते हैं, लाखों एकड़ जमीन है, बिजनेस है सर उनका, कारोबार है बड़े से बड़े। मैं इस सदन में उनसे कहना चाहता हूं भाई, ट्रूडो को उनकी पार्टी को जाके कहें आप, अगर क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने यहां आना है, पंजाबियों ने यहां आना है, यहां से रिश्तेदारों ने वहां जाना है। आज सर 7 लाख बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहां पे, लाखों करोड़ों रुपया जो है पेरेंट्स का लग चुका है उनको पढ़ाने के लिए, वहां पे फीसें जमा हो चुकी हैं, आज वीजा बंद हो गया, कुछ लोग वहां पे गए हुए जिनकी पीआर होनी है। ये अगर दोनों के संबंध ऐसे खराब हो जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? तो इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए। हाँ, हमें बताएं अगर भाई, अगर आपका जहाज खराब हो गया यहां पे 36 घंटे आप गर्मी में बैठे रहे, इसमें हमारी गलती है? आप वहां जाके पार्लियामेंट में ऐसे बयान दे रहे हो। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम सिख जहाज खराब हो गया था सर, 2018 में जब भी आए थे जहाज खराब हो गया था, बताओ सर, फिर इस सदन से सर रिक्वेस्ट कर देते हैं भी नया हम ले देते हैं। अब सर वो बातें नहीं रही, सरकार के तरफ से, हमारे तरफ से, देश के तरफ से एक प्लेन उनको ले जाने के लिए भी ऑफर किया गया था, वो भी नहीं माने, तो गलती हमारी थोड़ी है सर। अब तो उस चीज को, क्योंकि सर इससे भी अब भारत सरकार के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं।